डियर स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग आज के क्लास में भारतीय राजस्व व्यवस्था से संबंधित एक विषय व्यापारिक बैंक कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे और उसमें उसकी स्थापना, विभिन्न बैंकों की स्थापना, राष्ट्रीयकरण और साथ ही साथ ये बैंक क्या काम करते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करें। तो शुरू करते हैं आज के क्लास का विषय, यानी वाणिज्यिक बैंक। तो जहाँ तक वाणिज्यिक बैंक का प्रश्न है, तो इस वाणिज्यिक बैंक को व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। ये दो नामों से जाना जाता है, चाहे आप बोले वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक। जैसा कि नाम से प्रतिपादित होता है कि यह व्यापार करता है ना। तो व्यापार किस चीज का करता है, तो सीधी सी बात है, मुद्रा का करता है। ठीक है, मुद्रा का क्या करता है, ये मुद्रा को जमा करता है, उसके बाद मांगने पर प्रदान करता है, और ऋण प्रदान करता है, यानी कर्ज देता है ना। और उसके बाद एक है साख का निर्माण करता है, साख का निर्माण करेगा। इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो क्रेडिट फॉर्मेशंस करेगा। क्या चीज, क्रेडिट फॉर्मेशन करेगा। तो पहले इसको समझते हैं, एक कि व्यापारिक बैंक होता क्या है, या कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक कहते किसको। तो वाणिज्यिक बैंक को व्यापारिक बैंक भी कहा जाता है, और जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कि ये क्या करता है, तो व्यापार करता है। व्यापार किस चीज का करेगा, तो मुद्रा का करेगा। तो मुद्रा का व्यापार का अर्थ क्या हुआ कि मुद्रा तो भाई विनिमय का माध्यम है, मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, तो इसका व्यापार कैसे होगा। तो इसका व्यापार की मुद्रा के लेन देन में ये मध्यस्थ बनता है, मिडिल मैन बनता है। ठीक है, मुद्रा के लेन देन में क्या बनेगा, ये मिडिल मैन बनेगा, और मिडिल मैन बनने के क्रम में उससे दोनों पक्ष से ये लाभ कमाएगा। दोनों पक्ष का अर्थ क्या हुआ कि मुद्रा का ये जमा स्वीकार करता है। तो जमा स्वीकार करेगा, तो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे हम लोग कि जमा कितने तरह का होता है। ठीक है, तो कुछ जमाएं ऐसी हैं जिसमें बैंक शुल्क वसूल करता है, उससे उसको लाभ होता है। कुछ जमाएं ऐसी हैं जिसमें बैंक ब्याज देता है जमा करने वाले। तो कहने का अर्थ यह है कि जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट में भी बैंक को लाभ होता है, और दूसरा कि मांगने पर वो प्रदान करेगा। तो इस तरीके से मुद्रा के रखने का वो स्थल है। तो जो मुद्रा वो रखता है पब्लिक का, वो उसकी संपत्ति नहीं, उसकी पूंजी नहीं है, वो उसकी देयता है। देयता मतलब ये मुद्रा जो है वो उसकी क्या है, देयता है। देयता का यहां पर अर्थ हुआ अकाउंटेबिलिटी। तो ये आम तौर पे सवाल आपसे कर दिया जाएगा कि बैंक में, इसको जला दें, बैंक में मुद्रा जमा है अगर, तो वो बैंक की संपत्ति मानी जाएगी कि नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा कि बैंक की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। क्लियर, बैंक की संपत्ति कौन मानी जाएगी,
जिस राशि से बैंक खुला है, जो ब्याज से उसने धन कमाया है या ऋण के रूप में किसी से लिया, तो ये उसकी संपत्ति है। पब्लिक ने जो जमा किया है वो उसकी देयता है, अकाउंटेबिलिटी है, उसकी संपत्ति नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। और एक है कि ऋण प्रदान करता है, वो लोन देता है, बैंक को असल लाभ इसी से है, ऋण प्रदान करने से। बैंक में, बैंक के पास जो धन होता है, बैंक चाहती है कि हम इस धन को जितना जल्दी हो ऋण के रूप में दे दें, ताकि इससे ब्याज हमको मिलता रहे। आप जो पैसा जमा करते हैं तो वो हमेशा अपने पास रखे नहीं रहेगा। अभी हम बताएंगे एक चीज़ में जिसको हम लोग साख निर्माण बोलते हैं। तो यहाँ पर बिंदु दिया है कि साख का निर्माण करता है, तो साख का निर्माण एक अलग टॉपिक है जो इसी क्लास में आपको आगे बताया जाएगा। पहले हम ये देखेंगे कि वाणिज्यिक बैंक काम क्या करता है। तो ये चार प्रकार का काम करता है। पहला क्या, जमा करता है, जो आप समझ रहे हैं, मांगने पर देता है, ऋण प्रदान करता है और साख का निर्माण करता है। तो ये एक लंबा टॉपिक है, इसलिए इसी के क्लास में बैंकों की स्थापना के बाद हम बताएंगे कि साख का निर्माण क्या है। इसमें मैथमेटिकल्स नंबर्स आपको देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि साख का फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट किसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जहां तक भारत का प्रश्न है, तो भारत में पहला जो बैंक था वो, उसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था, इसको हेडिंग दे देते हैं, भारत में बैंकों की स्थापना। भारत में बैंकों की स्थापना, एक अलग शीर्षक ही नंबर पढ़ेंगे, भारत में बैंकों की स्थापना। इसमें अपने मस्तिष्क में एक बात बैठाइए। जी कुछ बोल रहे हैं क्या? ऊपर वाले पर थोड़ा थोड़ा चला पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तो ये भारत में जो बैंकों की स्थापना हुई वो ब्रिटिश काल में, ये तो एक तथ्य है। कब हुआ, तो ब्रिटिश काल। और इसके पूर्व, ब्रिटिश काल में बैंकों की स्थापना हुई, ठीक है, ब्रिटिश काल से पूर्व महाजनी व्यवस्था थी। क्या था, महाजनी व्यवस्था। ब्रिटिश काल में जो बैंकों का विकास हुआ, बैंकों का विकास वह निम्न रूप से हुआ। ऑब्जेक्टिवली सब्जेक्टिवली दोनों ये डेटा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्रमवार देखिए, सबसे पहला जो बैंक था उसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी, इस बैंक की, वो 1786 ईस्वी, 1786। दूसरा जो बैंक था उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यह जो स्थापित हुआ था ये 1786 1790 ईस्वी में हुआ,
1790। ये दोनों की विशेषता ये थी कि ये ब्रिटिश स्वामित्व का, मतलब इसके मालिक कौन थे? ब्रिटिश, अंग्रेज। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवध कॉमर्शियल बैंक खुला अवध कॉमर्शियल बैंक खुला और इसकी स्थापना अवध कॉमर्शियल बैंक की 1881 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। यह जो स्थापित हुआ वो 1894 ईस्वी में। इन दोनों बैंकों की विशेषता ये है कि यह भारतीयों द्वारा स्थापित हुआ, भारतीयों द्वारा स्थापित। अब एक और डेटा आपको देखना पड़ेगा और वो ये कि साहब 2 जून 1806 ईस्वी, 2 जून 1806 ईस्वी को बैंक ऑफ बंगाल स्थापित, ना 1806 बैंक ऑफ, ये दूसरा दूसरी चीज है, समझाते हैं अभी। बैंक ऑफ, उसके बाद 15 अप्रैल 1840 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1840 ईस्वी को एक दूसरा बैंक स्थापित हुआ जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। उसके बाद एक तीसरा बैंक स्थापित होता है, उसका समय है 27 जनवरी 1843, 27 जनवरी 1843, और ये था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक जो स्थापित हुआ, यही बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट कर गया। किसमें? इंपीरियल। और उसके बाद 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण। तो पहले इतनी बातें हम लोग समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बैंकों का विकास भारत में कैसे कैसे हुआ। तो ये खंड थोड़ा आपने कहा कि लिख दीजिए तो इसको हाईलाइटेड कर देते हैं ना।
मांगने पर उसके बाद हो गया ऋण प्रदान करता, ऋण प्रदान करता है, उसके बाद साख का निर्माण करता। साख का निर्माण उसको ये से बोलेंगे क्रेडिट फॉर्मेशन। तो हमने देखा कि व्यापारिक बैंक क्या है, तो एक मुद्रा का व्यापार करने वाला एक संस्था है। अब देखिए कि भारत में इसका विकास कैसे हुआ, तो भारत में इसका विकास ब्रिटिश शासन की देन। अब ये जो बैंकिंग व्यवस्था है ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पे एक आधुनिक परिकल्पना है। मध्यकाल में बैंक की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, महाजनी सिस्टम था, जो स्थानीय सेठ साहूकार होते थे वही पैसे का विनिमय किया करते थे। उद्योगपतियों को या व्यापारियों को मध्यस्थ की भूमिका निभा करके उनके धन को एक जगह से दूसरे जगह आवागमन करवाते थे। भारत में भी वैश्विक स्तर पे जब बैंकिंग व्यवस्था की नींव पड़ी तो भारत इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि भारत वैश्विक उपनिवेशवाद का शिकार। वैश्विक स्तर पे जो औपनिवेशिक शक्तियां थी उसमें फ्रांस भी था, जर्मनी भी था, इटली भी था, स्पेन भी था, पुर्तगाल भी था और ब्रिटेन भी था। तो ब्रिटेन के साम्राज्य बहुत बड़े थे इन सबों में, और ब्रिटेन में जो भी आर्थिक विकास हो रहा था उस आर्थिक विकास का प्रयोग ब्रिटेन अपने हित में करने के लिए सचेष्ट था। इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग व्यवस्था स्थापित हुई तो अंग्रेजों ने भारत में बैंकिंग व्यवस्था का श्री गणेश या प्रचलन अपने हित में किया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अपने हित में कैसे हम कह रहे हैं, तो उसका जवाब यह है कि जब भारत में बैंक व्यवस्था नहीं थी तो उसके पहले महाजनी व्यवस्था थी। महाजनी व्यवस्था का अर्थ क्या कि बड़े बड़े महाजन बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे, सेठ साहूकार। और जैसे आप आजकल आप इस्तेमाल करते हैं बैंक का चेक या ड्राफ्ट या अन्य विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसी का एक रूप महाजनों के पास होता था हुंडी। हुंडी क्या होता था कि महाजन के हर महत्वपूर्ण शहरों में एक एजेंसी होती थी, एक सेंटर होता था जहां उसका आदमी बैठता था, ब्रांच होता था, और महाजन अपने स्थान पर पैसा लेकर के एक चिट्ठी लिख दिया करता था, उस पर उसके सिग्नेचर होते थे कि धारक को इतना रुपया दे दिया जाए। अब वो व्यक्ति इस सेठ के यहाँ अपना पैसा जमा कर दिया और सिर्फ कागज लेकर के चला गया उस शहर में और उसके एजेंसी को दिखाया, एजेंसी ने पैसा उसको पेमेंट कर दिया। इससे लाभ क्या था कि मार्ग में जो लूटने का डर हुआ करता था उस समय इसका खतरा बहुत था, क्योंकि लोग बैलगाड़ियों से, घोड़ों से या अन्य नाव से इन साधनों का प्रयोग करते थे, काफिले में लोग चलते थे डाकुओं से बचने के लिए। तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो इन सेठ साहूकारों के एजेंसियों का सहारा लेते थे। और भारत में तो अंग्रेजों के आगमन के समय जगत बंधु नामक ये जगत सेठ नामक एक बहुत बड़ा बैंकर भारत में था, और नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करवाने में इस बैंकर की बहुत महती भूमिका थी। अंग्रेजों ने जो प्लासी की लड़ाई जीती या बक्सर की लड़ाई जीती ये जगत सेठ और अमीन चंद के पैसों से जीता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना धन नहीं लगाया था बंगाल का युद्ध जीतने में। और ये सेठ क्यों सहयोग कर रहे थे, तो इसलिए सहयोग कर रहे थे कि
कि नवाब के तुलना में अंग्रेजों से उनके आर्थिक हित ज्यादा समझते, क्योंकि नवाब के रहने से उनके धन का विनिमय सिर्फ भारत के अंदर ही हो रहा था। अगर अंग्रेज चले आते तो उनके धन का विनिमय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभव था। तो अंग्रेजों के आने से उनके व्यापार में, माने मौद्रिक व्यापार में या पूंजी व्यापार में वृद्धि हो रही थी, इसलिए उस समय के साहूकारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, स्थानीय शासकों का साथ नहीं दिया, ये एक फैक्ट है। लेकिन अंत में वही अंग्रेज जगत सेठ के समापन के कारण बन गए, क्योंकि पूंजी बाजार में या मुद्रा बाजार में एक नया रूप लेकर के वो आए थे कि हम यहाँ के जगत सेठों के चंगुल में क्यों फंसे, हम खुद क्यों ना जगत सेठ बन जाए, यानी खुद क्यों ना बैंकर बन जाए। तो हमारे पास एक सोच है, एक संस्था है जो ब्रिटेन में चल रही है, उसी के अनुरूप जो है भारत में भी हम बैंकिंग व्यवस्था के नींव डालेंगे, ताकि यहाँ के लोकल महाजनों जगत सेठों के चक्कर में हम नहीं पड़े। जो लाभ जगत सेठ कमाएगा, जो स्थानीय बैंकर कमाएगा, वो लाभ हमारा बैंकर्स कमाएगा। तो इस दृष्टिकोण से सबसे पहला बैंक अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित किया गया, ये भी निजी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का बैंक नहीं था, यहाँ पर ये आपको समझना होगा। तो पहला ब्रिटिशों द्वारा स्थापित बैंक जो भारत में था वो जनरल बैंक ऑफ इंडिया था, हेडक्वार्टर कलकत्ता था, और कब स्थापित हुआ तो 1786 ईस्वी। दूसरा बैंक कौन था तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, कब स्थापित हुआ तो 1790 ईस्वी। जनरल बैंक ऑफ इंडिया के तुलना में बैंक ऑफ हिंदुस्तान ज्यादा प्रचलित था, इसकी शाखाएं जल्दी ही भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में फैल गई। इसलिए किसी किसी बुक में आपको देखिएगा कि भारत का प्रथम बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान लिखा जाता है, लेकिन हम आपको गहराई का अध्ययन करवा रहे हैं तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम जानिए आप। अगर जनरल बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन में नहीं रहा तो वैसी परिस्थिति में आपका विकल्प बैंक ऑफ हिंदुस्तान निश्चित रूप से, लेकिन यदि बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ साथ जनरल बैंक ऑफ इंडिया भी विकल्प में रहा तो आपका सही आंसर क्या होगा, जनरल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये दो नाम ब्रिटिश स्वामित्व के थे और सबसे पहले बैंक थे भारत। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के तहत स्थापित ये भारत का पहला बैंक था। अब उसके बाद चूंकि महाजनी प्रथा तो यहाँ भी थी, अब नया रूप नया मॉडल आ गया वित्तीय व्यवस्था का, तो यहाँ के महाजन साहूकार कैसे चुप बैठते, तो आपस में मिल करके उन्होंने अवध कमर्शियल बैंक 1881, कितना लंबा समय देखिए, लगभग 100 वर्षों का अंतर हो गया, 90 वर्षों का अंतर हो गया, और तब भारतीयों के द्वारा अवध कमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित किया गया। यहाँ पर यह ध्यातव्य हो आपके मस्तिष्क में, स्पष्ट रूप से स्थापित कीजिए कि जो अवध कमर्शियल बैंक था वो सीमित देयता के आधार पर, यानी पूरी की पूरी पूंजी भारतीयों की नहीं लगी हुई, तो सीमित देयता के आधार पर यह प्रथम बैंक, पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक पंजाब नेशनल बैंक। तो यह प्रश्न आएगा तो यहां पर भी इन शब्दों को देखिएगा कि अगर सीमित देयता शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है तो अवध कमर्शियल बैंक, पूर्णतः भारतीयों का बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक, और सिर्फ प्रश्न आएगा कि प्रथम भारतीय बैंक तो अवध कमर्शियल। हाँ, तो ये तीन तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार जो है व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज होता है। आप मोबाइल, तो ये बात आप समझे। अब बीच में और भी छोटे मोटे बैंक बनते रहे, लेकिन जो प्रभावी था, जिसने वित्तीय व्यवस्था में प्रभावी प्रभाव डाला, उसमें था कि 2 जून 1806 को बैंक ऑफ बंगाल बनता है, उसके बाद 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे बनता है, और फिर 27 जनवरी 1840 को बैंक ऑफ मद्रास बनता है। ये ऐसा बैंक था जिसको आप प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे, हर प्रेसिडेंसी में एक एक बैंक था, यानी अपने प्रेसिडेंसी के लिए ये रिजर्व बैंक था, अपने प्रेसिडेंसी के अंदर सारे
बैंकों का नियामक एक प्रकार से, हालांकि घोषित नहीं था लेकिन नियामक के रूप में स्वीकार किया है कि उसके आदेश माने जाते हैं। अब हमारे देश में 1935 ईस्वी में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो जब देश आजाद हुआ तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग से आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखे। तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 अप्रैल 1935 वाला जो बना रिजर्व बैंक था वो 1 जनवरी 1949 में से पूर्व जो निजी था वो 49 में क्या हो गया, उसका राष्ट्रीयकरण हो गया, वो सरकारी बैंक हो गया। और उसका क्या क्या काम था वो पढ़ चुके थे। वो संक्षेप में कहा जाए तो वो एक केंद्रीय बैंक की भूमिका निभा रहा था। तो उसके पूर्व यानी रिजर्व बैंक के पूर्व जो प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी में केंद्रीय बैंक की भूमिका ये तीनों बैंक निभा रहे थे। मतलब समझ गए। तो अब देश एकीकृत होकर के एक देश बन गया और केंद्रीय बैंक कोई एक ही हो सकता है, तो वो कौन बन गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब इसकी भूमिका क्या हुई, तो इन तीनों को मिला करके पूर्व में ही 1921 में इंपीरियल बैंक का नाम दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इंपीरियल बैंक जो था वही एक प्रकार से रिजर्व बैंक की भूमिका निभा रहा था पूरे भारत के लिए। लेकिन जब 35 वाला रिजर्व बैंक 49 में राष्ट्रीयकृत हो गया तो इसकी भूमिका ये हुई कि 1 जुलाई 1955 को इसे स्टेट बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इंपीरियल सब औपनिवेशिक था, इंपीरियलिज्म से निकला था ये। अब देश आज़ाद हो गया था इसलिए इंपीरियल बैंक नाम रखना उचित नहीं था, तो उसको राष्ट्रीयकृत करके, उसका राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से वर्तमान समय में जाना जाता। तो हम समझते हैं कि आप बैंकों के स्थापना के परिवेश में समझ। अब इससे जुड़ी हुई दूसरी बात है जो आपको जाननी है, और वो ये के साहब बैंकों की स्थापना, क्या चीज, बैंकों की स्थापना कैसे होती, स्थापना कैसे। तो भारत में बैंकों की स्थापना हेतु एक कानून अकाउंटेबल है, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, और इसके तहत निम्न प्रावधान किए। ठीक है, इसमें सबसे पहला था कि एक ही राज्य तक अगर सीमित हो, यानी उसका विस्तार एक ही राज्य तक है, तो ऐसे बैंक 50,000 रुपया से खुल सकते हैं। ठीक है, अगर उसका 1 से अधिक राज्य तक विस्तार है, यानी 2, 3, 4 राज्यों में फैला हुआ है, तब उसकी क्या होगी, 5 लाख रुपया होगा। कितना, अरे 5 लाख रुपया से उसको बैंक खोलना पड़ेगा। और यदि कलकत्ता एवं मुंबई में उसका कार्यालय हो,
ठीक है, उसकी देयता जो है यानी उसके पास जो पूंजी होनी चाहिए वो कितना, तो 10 लाख रुपये, ठीक है। परंतु 1962 ईस्वी में, 1962 में परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करके ये क्या कहा गया कि अब न्यूनतम राशि जो होगी बैंक खोलने का वो ये जो 50,000 आप देख रहे हैं उसके जगह पर 5 लाख होगा। 50,000 के स्थान पर कितना होगा, 5 लाख। और इसी रेशियो में जो आगे की राशि है वो बढ़ती चली जाएगी। तो अभी जो ये 10 लाख है ये 10 करोड़ हो जाएगा वर्तमान समय। अब विधि क्या है इसका बैंक खोलने का, तो इसकी विधि पर अगर ध्यान दिया जाए तो आवेदित जो बैंक है वो बैंक कैश रिजर्व रेशियो SLR और SDR SLR के नियमों से आबद्ध हो, यानी जुड़ी हुई हो, और ये अनुसूची दो की बैंक कहलाएगी, ठीक है। यही अनुसूची दो की बैंक जो है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाती है, या व्यापारिक बैंक कहलाती है, ठीक है। तो अब दूसरी बात यह कि भारत में बैंकों की स्थापना कैसे होता है, तो सीधी सी बात है कि भारत में कोई भी बैंक खोलने के लिए एक कानून है, एक लॉ है, और वो लॉ क्या कहलाता है, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और इसमें प्रोविजन जो किए गए थे आरंभ में, क्योंकि बैंक एक ही स्टेट में खोलना चाहता है उसके पास प्रदत्त पूंजी जो है वो 50,000 होना चाहिए, यानी 50,000 से कोई समूह अपना बैंक खोल सकता है। अगर वो एक से अधिक राज्य में अपना कार्यालय रखना चाहता है यानी बैंक, तो उसको 5 लाख रुपया से खोलना पड़ेगा। और यदि उस बैंक का कार्यालय मुंबई और कलकत्ता जैसे शहरों में है तो उसका 10 लाख होना चाहिए। लेकिन 62 में प्रोविजन यह किया गया कि नहीं साहब, न्यूनतम पूंजी 5 लाख हो और अधिकतम 10 करोड़। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी परिस्थिति में इन शर्तों के आधार पर अभी कोई खोलना चाहता है तो उसको आवेदन करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो जितनी राशि निर्धारित है जिस कैटेगरीज का बैंक है, तो जो वर्तमान समय में CRR कैश रिजर्व रेशियो पढ़ चुके हैं पहले, SLR स्टैचुरली लिक्विडिटी रेट ये भी पढ़ चुके हैं आप, तो ये दोनों की जो दर है उतना दर रिजर्व बैंक में ये अपने पास सुरक्षित रखना पड़ेगा। और रिजर्व बैंक क्या करेगी, तो उसको अनुसूची दो की बैंक घोषित कर देगी। अनुसूची दो की बैंक जैसे ही घोषित होती है तो वही वाणिज्यिक व्यापारिक बैंक या शेड्यूल बैंक कहलाती है, अनुसूचित बैंक कहलाती है। और अनुसूचित बैंक का यह है कि वो पूरी तरीके से रिजर्व बैंक के निगरानी में काम करता है। कोई नई शाखा खोलना होगा तो रिजर्व बैंक से परमिशन लेना होगा, किसी शाखा को बंद करना होगा तो रिजर्व बैंक से परमिशन लेना होगा,
या रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए गए हर क्षण जो दिशा निर्देश होते हैं उन सारे दिशा निर्देशों के अधीन उसको काम करना पड़ेगा। तो अनुसूचित बैंक का, शेड्यूल बैंक का, जिसको व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, वो इस तरीके से पूरी तरीके से रिजर्व बैंक के अधीन काम करता है। क्लियर। अब देखिए कि एक टॉपिक है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। क्या चीज? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो आप एक शब्द सुने होंगे, सामाजिक दायित्व। सामाजिक यानी सोशल अकाउंटेबिलिटी। अभी तक यानी स्वतंत्रता से पूर्व तक जो बैंकों की भूमिका थी वो पूर्ण रूप से आर्थिक थी, आर्थिक गतिविधियों तक अपने आप को सीमित की हुई। ठीक है। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश बना और यहाँ शासन का उद्देश्य पूर्व के शासन के तुलना में अलग हो गया। पूर्व के शासन का उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक भारत से धन का दोहन करके ब्रिटेन ले जाना। हमारे देश की जो सरकार बनी उसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं था बल्कि जन कल्याण करना था। संविधान के प्रस्तावना में ही ये शब्द जोड़ दिया गया था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़ा गया लोकतंत्रात्मक और कल्याणकारी राज बनाने के लिए। तो ये कल्याणकारी शब्द वेलफेयर स्टेट हमारे देश के सरकार की नीति, तो इसलिए अब अनिवार्य हो गया। अभी तक बैंक क्या था? आज़ादी के बाद भी निजी क्षेत्र में था जितने भी बैंक थे। तो ऐसी परिस्थिति में परिवेश ऐसा पैदा हुआ कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। थोड़ा सा उस परिवेश के तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो बड़ा विषम आर्थिक स्थिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने सूझबूझ, समझदारी और अपने बौद्धिकता के आधार पर देश में प्रचलित बेरोजगारी को, निर्धनता को, या जो उद्योग के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में जितनी समस्याएं थीं उनका हल किया। लेकिन 64 में उनकी मृत्यु के बाद सरकार में वैचारिक आधार पर दो तरीके की विचारधाराएं उभर करके सामने आई, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर। एक विचारधारा पूंजीवाद की थी और दूसरी विचारधारा जो थी वो समाजवाद की। ऐसा नहीं है कि ये विचारधारा जवाहरलाल नेहरू के समय में नहीं थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि ये द्वंद्व यानी समाजवाद और पूंजीवाद का उभर कर सामने नहीं आया। क्लियर। और जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 1954 के अवार्डी अधिवेशन में देश का लक्ष्य समाजवाद घोषित भी कर दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके इस निर्णय के विरोध में बात करें। लेकिन जब उनकी पुत्री आई तो कांग्रेस का या सरकार के अंदर, मतलब उस समय कांग्रेस मींस सरकार, सरकार मींस कांग्रेस, कोई और दल की वैसी स्थिति नहीं थी, तो इनको इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर जो इनके वैचारिक विरोधी थे वो गुड़िया कहा करते थे। कांग्रेस के अंदर दो नाम आपको याद रखना होगा, के कामराज और निगली जप्पा।
और ये लोग इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़े कांग्रेस के अंदर चैलेंज बन गए। नतीजा के तौर पर कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। और उसी समय इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी का लक्ष्य पूर्ण रूप से जो है अपने अस्तित्व को बताए रखने के लिए ये घोषित कर दिया कि हम समाजवादी हैं। और बहुत सारे धड़ाधड़ ऐसे निर्णय लेने लगी कि जिससे पूंजीवाद धराशायी हो जाए, जैसे प्रिवी पर्स खत्म कर दिया। पहले जो राजा थे, जो सब विलय हुआ था भारत में जितने रजवाड़े का, तो उनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे, पता है कि नहीं आपको? मतलब वो घोड़े रख सकते हैं, सैनिक रख सकते हैं, सलामी ले सकते हैं तोप की, उनके स्टेट्स में कुछ कानून उनका चलेगा, तो ये सब सुविधाएं थी। प्रिवी पर्स था, इतना दौलत इतनी संपत्ति रख सकते हैं, ये सब छीन लिया कि यही लोग बदमाशी कर रहा है ना, तो सारे विशेषाधिकार समाप्त, बैंक नहीं लोगों के पास है ना, सारे बैंक का राष्ट्रीयकरण, और पूरा लक्ष्य जो है वो गरीबों के प्रति हो गया। और इसी नीति के तहत इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी 1972 का इलेक्शन जीतने में सफल हुए। अपने विरोधियों को समाजवाद के डंडे से जो है पराजित करके वो पुनः अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रही, वरना अगर ना करती तो ना होता। तो उसी की एक कड़ी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ये देखा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बात समझ में आई? यानी सामाजिक दायित्व की पूर्ति की। तो जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उसमें देखिए कि सबसे पहले 19 जुलाई 1969 ईस्वी, कब, 19 जुलाई 1969 को भारत के 14 व्यापारिक बैंक, कितना, 14 व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। और उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को पुनः फिर 6 व्यापारिक बैंकों का, कमर्शियल बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीय। यानी अब ये बैंक क्या होंगे, सरकार के होंगे। तो जो 14 और 16 बैंक हुए, बोर्ड पे जगह कम है, बोलिए, 6 बैंक तो है व्यापारिक, तो 20 हुआ कुल, ठीक है, तो कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बोर्ड पे जगह कम है, तो 14 और 6 कौन थे वो नाम सुन लीजिए, जो पूर्व में उनके नाम थे वही रखे गए, नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 14 बैंकों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 14 बैंकों में थे जो 1969 को इसका राष्ट्रीयकरण किया। और 6 जो बैंक 80 में राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में, उनके नाम सुन लीजिए, आंध्र बैंक, द कॉरपोरेशंस बैंक, द न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, द पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक, ये 6 बैंक। लेकिन आगे चल करके हुआ है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो गया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर लिया। तो इस तरीके से व्यापारिक बैंकों की संख्या घटकर 20 से कितना हो गई, 19, लेकिन फिर 20 हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो एक विकासात्मक बैंक था, एक व्यापारिक बैंक नहीं था, उसको भारत सरकार ने IDBI इसको बोला जाता है, उसको वाणिज्यिक बैंक में कन्वर्ट कर दिया।
तो इस तरीके से बैंकों की संख्या पुनः कितना हो गई, 20। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो उसके साथ साथ पांच और सहायक बैंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पांच सहायक बैंक मिल करके कुल कितने हो गए, 6। तो भारत में व्यापारिक बैंकों की संख्या स्टेट बैंक सहित 20 नहीं है, 26 है। 20 तो हुआ जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 और 1980 में, लेकिन आपको ये भी तो याद रखना होगा कि 1955 में भी कोई राष्ट्रीयकरण हुआ था तो स्टेट बैंक का। तो इस तरीके से स्टेट बैंक के स्टेट बैंक और उन्हें उनके अनुसंगी बैंकों सहित भारत में वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या जो है वो 26 है। और फिर 19 सुरैया समिति एक बार पढ़ा रहे थे, आपको याद होगा कि 72 में सुरैया समिति बनी थी और उसके बाद उसकी संस्तुति के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुआ था, याद पड़ रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को याद रखिएगा। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अस्तित्व में चले आए। तो वर्तमान समय में बैंकों के संख्या पर अगर आप पर प्रश्न आएगा तो 6 बैंक आपके हो गए स्टेट बैंक और उसके अनुसंगी, 20 हो गए अन्य व्यापारिक बैंक और 82 जो है वो ग्रामीण बैंक। तो इस तरीके से कुल वाणिज्यिक बैंकों की संख्या हमारे देश में 108 है। क्लियर। अब देखिए छात्रों, शुरू में जो हमने बताया था आपको बैंक के कार्य के आधार पर, उसमें एक टॉपिक था साख का निर्माण, फॉर्मेशंस ऑफ क्रेडिट। क्या है ये? यही वो चीज है जो आपको अच्छे से समझना है। बैंक साख का निर्माण भी करती है। यहां पर सिंपल सा समझिए कि अपने वैल्यू का, साख का मतलब क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू का निर्माण कैसे करेगा कोई भी आदमी, तो पैसे के माध्यम से। तो टेक्निकली आप साख को समझिएगा तो आपको पता चल जाए कि बैंक कितना चतुर होता है और कैसे कैसे पैसा कमाता है। हम एक एग्जाम्पल सा आपको देंगे तो आप समझ जाएंगे। मान लिया जाए कि आपने 10,000 रुपया बैंक में जमा किया, खाता खोल, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया कि आप जो पैसा जमा करते हैं, जो मुद्रा जमा करते हैं, वो बैंक की संपत्ति नहीं है, बैंक की देयता है, अकाउंटेबिलिटी है। आप कभी भी मांगिएगा तो बैंक को देना पड़ेगा। अब बैंक अपने पूर्व के अनुभव और कार्यविधि के आधार पर ये पता कर लेती है कि कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करता है तो वो 10% ही उसकी मांग करता है, एक बार 90% राशि वो चाहता है कि बैंक में ही रहे। तो यानी 10,000 आप जमा किए तो आप 1,000 रुपया ही मांगिएगा, तो 1,000 रुपया आपका 10,000 में से हमेशा रखे रहेगा और 9,000 क्या करेगा, तो दूसरा व्यक्ति ऋण अगर मांगेगा तो उसको दे देगा, क्या करेगा, तो उसमें भी 10% का नियम वो अप्लाई करेगा, खाता खोल देगा, उसके अकाउंट पे डाल देगा 9,000 रुपया और ये एस्पेक्ट करेगा कि ये भी तो 10% निकालेगा, यानी 900 रुपया ही निकालेगा। तो अब उसके पास कितना बच गया बैंक के पास, 8100 रुपया। तो ऐसे ऐसे करके ये जमा को बैंक शून्य कर देती है, क्या कर देती है, शून्य। तो एक व्यक्ति जो 10,000 रुपया जमा करता है किसी बैंक में, वो बैंक उसको 90,000 बना लेती है। ये जो 10,000 का 90,000 बनाना, इसी को साख का निर्माण या फॉर्मेशंस ऑफ क्रेडिट कहते हैं।
और बैंक इससे लाभ कमाती है। बात समझ में आई? देख लेंगे। तो साख बहुत कंफ्यूजन था, हम समझते हैं आप समझ। एक चीज और कि बैंक जो मुद्रा का व्यवहार करती है वो विभिन्न खातों में करती है। तो कुल चार प्रकार के खाते बैंक खोलती है पैसा के विनिमय। एक होता है सावधि खाता यानी फिक्स डिपॉजिट्स। तो उसमें धनराशि जब आप जमा करते हैं तो एक निर्धारित समय पर जमा, निर्धारित समय हेतु जमा करते हैं, उसके बाद ही उस राशि की मांग आप कर सकते हैं। तो अवधि जितनी बड़ी होगी ब्याज उतना अधिक होगा और तरलता उस राशि की कम होगी। तरलता का मतलब कि वो राशि बाजार में कम आएगी, ये तो सावधि जमा होंगे। उसके बाद दूसरा होता है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। इसमें लोग अपना बचत करते हैं इस खाते में, और इसमें भी बैंक ब्याज देती है लेकिन बहुत कम देती है, ठीक है। और एक तीसरा होता है चालू खाता, करंट अकाउंट जिसके लिए से बोलते हैं। उसमें सुविधा होता है कि आप एक दिन में जितना बार चाहिए पैसा अपना जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसे खाता पर बैंक तो ब्याज देती ही नहीं है, उल्टा शुल्क वसूल करती है। मैंने जितना ज़्यादा बार आप निकालिएगा उतना बार उसको शुल्क आपको देना पड़ेगा। और एक चौथा रूप जो खाता का होता है वो अलग नेचर का होता है। जैसे आपको मकान बनाना है तो आपने उस हेतु अकाउंट किया कि आप इसमें हर मतलब के महीने में इतना जमा करेंगे और बैंक जो है वो इतने दिनों के बाद हमें मकान बनाने के लिए इतना रुपया देगा। या फिर डेली हम इतना पैसा जमा करेंगे और जब हमको ज़रूरत होगा बैंक से हम ले सकते हैं। तो बैंक का आदमी आपके घर में आकर के डेली 10 रुपया 20 रुपया जो भी आपने फिक्स किया है तो कलेक्ट करता रहे। नहीं समझ रहे? हाँ, LIC एजेंट के तरह। तो अब तो बहुत कम देखते हैं, नेटवर्किंग वाला बैंकिंग जब से शुरू हो गया। पहले हर बैंक अपना एक एजेंट रखता था जो लोगों के पास घूम घूम कर करके पैसा कलेक्ट करता था और उसके अकाउंट में जा करके जमा करता था। तो ये चौथा रूप हुआ, इसको रेकरिंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चार प्रकार के अकाउंट। तो वाणिज्यिक बैंक से संबंधित छात्रों जितनी भी बातें थी मैंने आपको आज के क्लास में समझा दिया। हम समझते हैं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई। बाकी चीज़ें अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।